नमस्कार, स्वागत है आपके एचएम न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ जानवी यादव। महाराष्ट्र में विभिन्न राजनीतिक दलों और निर्दलीय 287 नव निर्वाचित विधायक बुधवार को यहाँ महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र में शपथ ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें प्रोटेम स्पीकर कालिदास एन कोलांबकर शपथ दिला रहे हैं। शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकांपा सांसद सुप्रिया सुले पवार, कांग्रेस के विभिन्न नेता विधान भवन में प्रवेश कर रहे हर पार्टी के विधायक का हाथ मिलाकर गर्मजोशी से स्वागत कर रहे थे। पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने मुस्कुराते हुए वहां सबको चौंका दिया। जब उनके वहां पहुंचते ही उनकी चचेरी बहन सुप्रिया सुले ने उनका स्वागत किया और इसके बाद उन्होंने उन्हें गले लगा लिया। सुप्रिया ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी गर्मजोशी से हाथ जोड़कर स्वागत किया और जब वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़े तो उनके कंधे पर हाथ रखकर उनसे बात की। सुप्रिया ने पूर्व स्पीकर और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हरिभाऊ बागड़े और अन्य नेताओं का भी गर्मजोशी से स्वागत किया, जिससे पिछले कई दिनों से चल रहा तनावपूर्ण माहौल वहां सुहावना हो गया। मुख्यमंत्री पद के लिए चुने गए उद्धव ठाकरे विधान भवन आने और अन्य विधायकों से मिलने से पहले राजभवन में राज्यपाल बीएस कोश्यारी से औपचारिक मुलाकात करेंगे। उद्धव ठाकरे को शिवसेना राकांपा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री पद के लिए महाविकास अघाड़ी का नेता चुना गया। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज़।